ಯೋಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರಾಠೋಡ್. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮಾನಿಟಿ ಕೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. आज जो है ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन के जानिब से आप सभी जानते हैं कि कितनी धूप, बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए हमने सभी लोगों ने प्लान किया है कि ये धूप में जो है सभी लोगों को पानी तकसीम करें, क्योंकि बीजापुर शहर एक ऐसा शहर है, लोग इसे देखने के लिए यहाँ पर, गोल गुमट है, इब्राहिम रोज़ा है और बहुत सारे देखे टूरिज़्म सिटी है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आकर बीजापुर देखने के लिए आते हैं. इसलिए हम उनकी फ़िक्र करते हुए, जो धूप में वो आ रहे हैं उनको वेलकम करते हुए, हम उन लोगों को पानी तकसीम कर रहे हैं. बहुत सारे आस पास के देहात के लोग हॉस्पिटल को आते हैं पानी पीने के लिए. सबके पास तो पैसे ऑलमोस्ट रहते हैं, फिर भी अपनी परेशानियों में दवाखानों के दिखाते हुए अपने जिस्म का ख्याल नहीं रखते. इसलिए हम लोगों ने फिक्र करके, हमारी टीम, जैसे वो टीम में हमारे अयूब कालेबाग, अनवर दरगाह, उमर पठान, शकील घोड़े सवार और मोहसिन बागायत, मोहसिन तहसीलदार, मुजीब हुकेरी, नासिर सर और बहुत सारे लोग हैं. ये जो टीम को लगातार काम कर रहे हैं मेरे बहुत सारे लोग, मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, ये टीम का वर्क है. हमारे इन सभी दोस्तों को अल्लाह इसका सवाब भी दे, अजर दे, जो एडिशनल हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं. जितने भी यहाँ पर लोग हमारे साथ हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं. मैं पर्टिकुलरली नाम लेकर नहीं बोलता, तहे दिल से सभी का शुक्रगुजार हूँ, इसलिए मैं इतनी बात कहते हुए मैं बात को ख़त्म करता हूँ. ह्यूमैनिटी केयर असोसिएशन दौर निरंतर बहुत चढ़गाल कंबल ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಸತತ 2 ವರ್ಷ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಿರಲಿ, ಈಗ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸುವಂಥ ಏನೋ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸದ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಪಂಥ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾನವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀರಡಿಸಿಗೆ ಆಗೋದು ಒಂದೇ, ಮುಸಲ್ಮಾನಿಗೆ ನೀರಡಿಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗೆ ಬೇರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತು. ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आज गांधी चौक में ह्यूमैनिटी केयर फाउंडेशन के जानिब से हमारे ह्यूमैनिटी केयर फाउंडेशन के कार्यकर्ता पानी तकसीम करने का एक अभियान कर रहे हैं. ये लोग ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते रहते हैं, पिछले दिनों बैग हो या चश्मे हो, ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते रहते हैं. इनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जानिब से कि एक हर एक 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 इंसान अपनी अपनी जिम्मेदारी से एक शहर में अपने एक्टिविटीज़ में जारी रखें. हमारे जानिब से भी, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट अब्दुल हमीद इनामदार बोल को, तो ये ह्यूमैनिटी केयर फाउंडेशन का क्या है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आपको और दूसरे कामों में भी
हिस्सेदारी लिया और इसके बारे में हमें भी आपको अवेयरनेस करते हैं। शुक्रिया। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए यूट्यूब एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।